बताइए, जब आप सामने वाले को बताएंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे कि शायद ये चीज सही है। यदि मैं आपको कह दूं कि आप किताब से पढ़ करके और इस प्रोडक्ट के विषय में बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे, और ये बताएंगे भी तो आप डरते रहेंगे कि यार पढ़े तो है, पता नहीं सही है कि नहीं सही है, है ना। तो इस तरीके से जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पहला काम ये है, हमें जिसे भी ऐसा कुछ है या नहीं भी है तो हमें उसे ये बताना है कि पहले आप सुबह उठिए और मंजन तो आप मार्केट का खरीदते हैं, अब ये 200 ग्राम का मंजन है, ठीक है। हम मार्केट का बहुत सा कोलगेट ले आते हैं वगैरह वगैरह, कोई बहुत सारे मंजन, ठीक है, उनको ले आते हैं। अब हम कहते हैं नहीं वो तो 50 का मिलता है, ठीक है, आप 50 का रख लीजिए और एक ये भी रख लीजिए, ठीक है, और एक भाई ये करें एक भाई ये करें, और इसका जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखना, इसमें क्वालिटी है और क्वांटिटी भी, और उसमें ना तो क्वालिटी है ना तो क्वांटिटी है, आप कर लेते हैं और बाइलिया उससे ले आते हैं, क्योंकि उससे दांत में साइनिंग अधिक हो जाती है। देखिए क्या होता है, हमें प्रकृति ने बनाया है तो हमें प्रकृति की तरह ही रहना चाहिए, हमें अपने दांत दूध की तरह सफेद नहीं करने, हमारे दांत जो प्राकृतिक रूप से हल्के पीले रंग के रहने चाहिए, तो हल्के पीले रंग के ही दांत प्राकृतिक है। तो उस हिसाब से आप इसको करते रहेंगे तो देखेंगे कि वो जो आप कोलगेट वाला मंजन या वगैरह कोई भी बबूल वगैरह जो आता है उससे ज्यादा आप कर डालेंगे और ये आपका खेत भी बचा रहेगा, क्योंकि इसमें क्वालिटी है और हम थोड़ा सा लेते हैं उसी में हमारा हो जाता है। दूसरा, इसके बाद आप जब मंजन कर लेते हैं तो कई लोग मंजन के पहले चाय पीते हैं, कई लोग जो है मंजन के बाद पीते हैं, लेकिन मेरी सलाह तो ये है कि मंजन के पहले ही चाय पी लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही, और सुबह उठना चाहिए। तो जो लोग जैसे रात में सोकर उठे करके खूब थूक देते हैं, शायद वो अमृत होता है, उसे थूकना भी नहीं चाहिए, होता है सबसे पहले वो भी पीना, उसको थूकना नहीं चाहिए उसको। आप पहले पुराने लोग बताया भी करते थे कि आप सुबह उठी तो एक लोटा पानी पीजिए, ठीक है, तो उनका वो मैटर तो अलग था, तब हम कुछ खाते रहे थे तो पानी भर से काम चल जाता था, अब पानी भर से काम नहीं चलना, अब हमें कुछ जड़ी बूटियों का भी सेवन उसमें करना पड़ेगा। तो अच्छा, गुनगुना पानी जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभवर्धक होता है हरदम, और अब जब हम उसमें जड़ी बूटी डाल देते हैं वो हमारे लिए और ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है,